सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y200 डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर EY कलर सेटिंग का यूज कैसे करेंगे। गाइस फोन के अंदर जो EY कलर सेटिंग्स है ये काफी इंटरेस्टिंग सेटिंग्स है, इसका यूज करके आपने कंट्रोल सेंटर के इवन फोन सेटिंग्स के जितने भी आइकन्स है उसको कलरफुल कर सकते हैं। चलो डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं EY कलर सेटिंग को एक्सेस कैसे करते हैं। गाइस फोन के अंदर EY कलर सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए ओपन करना होगा हमें अपना फोन सेटिंग्स जो मैंने पहले से ओपन करा हुआ है। स्क्रॉल करके नीचे आना, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर का एक सेटिंग्स मिलेगा, जस्ट आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रेस करते हैं राइट कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक थीम का, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, EY कलर का। तो आपको EY कलर वाले पे क्लिक करना है। अब अगर ये सिस्टम एंड UI कलर का जो ऑप्शन है ना गाइस, अगर ये ऑफ मिलता है आपको तो जितने भी आपके सिस्टम से बाय डिफॉल्ट कलर्स में होंगे, ब्लू कलर का आपको मिलेगा, आइकन्स भी आपको जो भी मिलते हैं सेटिंग्स का, अभी मैं बैक चल के दिखाता हूँ, तो ये सेटिंग्स के जो आइकन्स है इस टाइप से मिलेंगे। लेकिन आप इसको कस्टमाइज करना चाहे इसको कलर को कर सकते हैं UI कलर की मदद से। सेम सेटिंग्स को फॉलो करना है, ऑन कर देना है इसको जस्ट। जैसे हमने ऑन किया, अब ये देखो इस तरीके से ये होता है क्या कि जो आपने वॉलपेपर लगाया होता है अपने होम स्क्रीन पे उसके जो कलर्स होते हैं उसको ये मिक्स करके वॉलपेपर जनरेट करता है, तो आप उसको चूज कर सकते हो। मैंने जो लगाया हुआ है इसमें देख सकते हो अभी दूसरा कलर हो चुका है, लेकिन हमारे पास प्रीसेट जनरेटेड मिलेंगे 12 समथिंग प्रीसेट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, 12 का 16 समथिंग मिल जाते हैं वॉलपेपर्स कलर भी आपको जनरेट मिलेंगे। तो जो भी आपको पसंद है जस्ट आपने उसको क्लिक करना है, इसके बाद ये जनरेट हो जाएगा, उसी कलर को देखो कैप्चर करेगा एंड वो कलर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है अपने सेटिंग्स के आइकन इवन कंट्रोल सेंटर्स के जो आइकन्स होते हैं उसको कलर कर पाएंगे एंड काफी इंटरेस्टिंग सेटिंग्स है। अगर आप इसको यूज करते हैं डेफिनेटली काफी लुक आपके फोन का काफी इंटरेस्टिंग होगा, एक बार डाक ट्राई कर सकते हो। और गाइस अगर कोई कंफ्यूजिंग होती है EY कलर सेटिंग्स के रिगार्डिंग कॉमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।